शॉम्फिटर्स थ्योरी। शॉम्फिटर थ्योरी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताइए, कौन बताएगा बच्चा? शॉम्फिटर थ्योरी कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द शॉम्फिटर थ्योरी? Who is going to tell me about the Schumpeter's theory? What it is talking about? Schumpeter ने क्या बताया है about entrepreneurs? You can speak about it, but whenever you are speaking in the class, just try to stand up, ठीक है? खड़े होकर बोला जाता है आंसर बेटा। According to Schumpeter, they speak about entrepreneurs that they are innovators. They are related to be creative. They are innovate something creativity and with the help of their knowledge. And how they can use the innovation? In which areas they can innovate? चलिए sit down आदर्श, चलिए बताइए जरा। According to Schumpeter, entrepreneurs are creative and innovators. He argued that knowledge can take entrepreneur for long run. Knowledge and creativity of an entrepreneur make the business more profitable in long run. Function given by the according to Schumpeter's of an entrepreneur are first creating new product, second creating new market, third creating new method of production, fourth creating new organization in the industry, last is finding other way of other sources of the raw material. Very good. So we already completed these points कि इन सारे areas में Schumpeter क्या कर सकते हैं? They can basically do the creativity or innovation, right? So according to Schumpeter हम लोगों ने कर लिए थे कितने points किए थे इसमें? 5 areas कहाँ का innovation कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप एक बिजनेस पर्सन है एंड यू आर मेकिंग any of the thing. For example, if you are making the laptop, right? So laptop is a technological product. So how you can innovate? Either you can innovate the basically designing वगैरह या फिर इसका जो style है you can change, ठीक है? So production में changes ला सकते हैं, उसकी production criteria में changes ला सकते हैं, product में creativity ला सकते हैं, ठीक है? Product में creativity ला सकते हैं, यानी कुछ नया design कर दिया, नया product बनाया, ठीक है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग जिसको कहते हैं, प्रोडक्शन का जो तरीका है यानी मेथड जो है प्रोडक्शन को, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एक नए मार्केट को हम लोग बेसिकली पॉइंट आउट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, नया किसी मार्केट को पॉइंट आउट कर सकते हैं और उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको शॉर्टकट में याद करना है तो किस किस चीज में इनोवेशन होगा? प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मेथड में, थर्ड में आप याद कर लेना आप मार्केट, तो मार्केट में इनोवेशन लेकर आ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री यानी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में भी इनोवेशन लेकर आ सकते हो, ठीक है? सो एक एक वर्ड में यू कैन लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया खुशी? चलिए आगे आगे लिखिए। यहां तक लिख लिया था एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ प्रोफेशन, entrepreneur is not a profession. This was the last word, this was the last point tha na? Ha, theek hai. Entrepreneurship is not a profession or a permanent occupation and therefore it cannot be formulate a social class like capitalist. So जैसे बाकी ऑक्यूपेशन होते हैं ना, जैसे आपके कोई प्रोफेशन होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, फिर आपके कोई मार्केटर्स, मैनेजर्स, ये सारे ऑक्यूपेशंस डेजिग्नेशन और एक प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, राइट? मतलब प्रोफेशनल्स कहलाते हैं ये, है ना? सो एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इन दैट बेसिकली सिनेरियो। एंटरप्रेन्योर्स जो है कोई प्रोफेशन में नहीं है, दे आर डूइंग अ जॉब, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल्स बट दे आर डूइंग अ बेसिकली दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस शुरू करना और एक पर्सन जो है जो जॉब कर रहा है, दोनों के सेंस या वर्क सेंस डिफरेंट होता है ना? जैसे अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं तो उनको वही काम करना है जो उनके वर्क एरिया से रिलेटेड है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, है ना, एक सैलरी, एक पैसा, एक फील मिलेगा, पैसा मिलेगा, स्टोरी खत्म. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स, दे आर डूइंग मल्टीपल टास्क, बहुत सारे वो काम करते हैं, ठीक है, हर लेवल का काम करते हैं, कई बार वो सेल्स पर्सन की तरह भी काम करते हैं, है ना. तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स कोई प्रोफेशन नहीं है जिसके लिए आपको कोई कोर्स में क्वालिफाई करने की जरूरत पड़ेगी. लाइक जैसे आप किस चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो किससे होते हैं, ICAI से होते हैं, है ना, ICAI से होते हैं. फिर आपके जो ये डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होते हैं, राइट. तो उसके लिए आपको कोई एग्जामिनेशन पास करके फिर वो प्रोफेशन में तभी आप एंटर कर सकते हो. जैसे आई बेसिकली क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट. तो एक एलिजिबिलिटी आपकी आ जाती है जब आप किसी प्रोफेशन से जुड़ते हैं, कोई प्रोफेशनल बनते हैं. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल को मैं बोलूं कि आई एम अ CA, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क कि मुझे कोई CA मान लेगा, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है दिखाने के लिए कि आई एम अ CA, राइट. बट द इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, उसमें आपको कोई जरूरत नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने का, कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ठीक है. आपको कोई सोशल क्लास, चलिए, सो ये समझ में आया. सो इसी वजह से वो एक कैपिटलिस्ट, एक सोशल क्लास वाला वो चीज नहीं आएगा, मतलब इट इज नॉट, दे आर नॉट एक सोशल क्लास, एक कैपिटलिस्ट की तरह जो पैसे कमा रहे हैं प्रोफेशन के लिए, वो एटीट्यूड आपके एंटरप्रेन्योर्स में, ये चीजें नहीं होती, ठीक है. वो एक तरीके से कुछ प्रैक्टिस में, दे आर नॉट इन प्रोफेशन, दे आर इन द प्रैक्टिस for do something for the society, for provide something unique in the society, and for contribute in the society. They're not here for the profitable reason. They are not the professionals. They don't need to qualify any eligibility examination or test to basically use the word entrepreneur for Harya himself, right? So, अपने आप के लिए आपको entrepreneur लिखने से पहले आपको कोई eligibility examination देने की जरूरत नहीं है, but आपको एक business शुरू करने की जरूरत है, है ना. और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आपको कोई एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है. एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग और डीलिंग विद द मेडिसिन, दवाई वगैरह के साथ अगर आप डील करोगे तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटीज होती है जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो भी होलसेल बिजनेस में नहीं, रिटेल बिजनेस में. जब आप कोई भी दवाइयाँ डायरेक्टली रिटेलर्स को बेचते हो, रिटेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तब उस समय फार्मेसी या फार्मासिस्ट का आपको कोर्स करने की जरूरत पड़ती है जब आपको बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज एक नया स्टार्टअप के लिए अगर आप एक होटल या रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो यू डोंट नीड सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. बाकी डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, बट एक पर्सन में एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है. आपने देखा होगा 10th क्लास 12th क्लास पास आउट भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना. तो ऐसी एलिजिबिलिटी अगर होती तो आप सोचो कि कितने लोगों को एग्जामिनेशन पास करते करते कितने साल लग जाते, सही बात है. सो दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, बट दे आर बेसिकली डूइंग द प्रैक्टिस एज एन एंटरप्रेन्योर. क्लियर, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल, कॉमा एंटरप्रेन्योर्स. साइकोलॉजिकल लिखिए, बगल में लिखिए कॉमा. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट सोलली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट्स. साइकोलॉजी लिख लिया, साइकोलॉजिकल कॉमा एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट सोलली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, लिख लिया हो. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजिकल कॉमा एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट सोलली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, सोलली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके साइकोलॉजिकली अगर बोला जाए यहां से, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन का रीजन पैसा नहीं है, है ना. एक बात बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप 4 या 5 फ्रेंड्स हैं और उसमें से आप 4 फ्रेंड्स यू आर बेसिकली प्लानिंग टू गो टू एनी ऑफ द प्लेस, जस्ट इमेजिन मनाली, शिमला और सिक्किम, कहीं भी घूमने जाना चाहते हो आप में से. और आपने एक फ्रेंड को बोला, मतलब 4 फ्रेंड्स आपस में डिस्कस किया और एक फ्रेंड को ये बात नहीं बताया, ये बात चीजें नहीं बताई आपने कि हम लोग घूमने जाने वाले. उस पर्सन को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि उसको बुरा लगे, बिकॉज यू डिडंट गिव वैल्यू टू दैट पर्सन, है ना। सो यहाँ पर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, पैसे कम हैं, ये मैटर नहीं करेगा, बट एट दैट टाइम साइकोलॉजिकल यू विल फील दैट यू हैव लेस इंपॉर्टेंस एज कंपैरिजन टू द अदर फ्रेंड्स। ट्रू। कुछ लोग का ये भी है कि दोस्तों में ऐसा नहीं होता है। सो आई एम जस्ट सेइंग द फॉर्मल एंड प्रैक्टिकल थिंग, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज है कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके लिए ये नहीं है कि आज मेरे पास भी पैसा है, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट दैट आई हैव आल्सो मनी बट आई डोंट हैव टाइम टू स्पेंड दैट मनी। सो एंटरप्रेन्योर ऐसी कंडीशन में है कि उनको एक रिकॉग्निशन चाहिए। आप लोगों ने जब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें एक पॉइंट आता है आपका, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी सोशल एंड देन सेल्फ स्टीम नीड। सो यहाँ पर जो स्टीम नीड है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, आपके एंटरप्रेन्योर के लिए, है ना। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, उनके लिए एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम नीड ज्यादा मैटर करता है। रिकॉग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो, है ना, लोग वैल्यू करे, इंपॉर्टेंस हो, आपको एज ए इंस्पिरेशन माने, है ना, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप बने। अब सक्सेस है तो पैसा अपने आप है ना। तो साइकोलॉजिकली यानी माइंड से पैसों की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर सर्वाइविंग, अगर आप रह रहे हो, लाइफ जी रहे हो, तो पैसों की जरूरत है। एंड दैट इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। अब जैसे मैं हूं, अब या फिर आप लोग हो, खाना नहीं खाओगे तो जिंदा रहेंगे क्या? तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल नीड। So money is required for the physiological need, but the entrepreneurs psychologically money is not a very big thing for them. Clear हो गई बात? समझ में आया? Psychologically का मतलब दिमाग से। Mental peace पैसे से थोड़ी आता है, इससे आता है ना। स्कूल में या फिर कॉलेज में जब आप कभी भी कोई बच्चे का तारीफ होता है एक बच्चे का पूरे क्लास के सामने, तो this is something which will give you more satisfaction as rather than someone will give you 1,000 rupees. सही बात है कि नहीं? Next one is feature of Schumpeter theory. This is the last topic. Feature of Schumpeter theory. Feature of Schumpeter theory: high degree of risk and uncertainty in the Schumpeterian world. High degree of risk and uncertainty in Schumpeterian world. In Schumpeterian world, high degree of risk and uncertainty in Schumpeterian world. In Schumpeterian world, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो है, किसी भी पर्सन, मतलब ये जो कहना चाह रहा है कि ये जो थ्योरी है ना, ये जो बात कर रहे, इट इज टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तो यहाँ पर रिस्क के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में शम्पेटेरियन की इस थ्योरी में कहीं भी मेंशन नहीं है। दैट लाइन इज स्पीकिंग अबाउट इट। ठीक है, जो रिस्क एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है, फाइनेंशियल रिस्क, पर्सनल रिस्क, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फॉर इनोवेशन हाउ मच द पर्सन इज डेडिकेटेड टुवर्ड इट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस ही और शी कैन, शी बेसिकली दे मेड, right? They basically give the sacrifices for that. They have what kind of financial risk they face, so they are not talking about it. So यहाँ पर कोई भी risk और uncertainty बहुत ज्यादा high है Schumpeter के theory में। एक तो ये concept मैंने बताया आपको, normally in the criticism में ऐसे ये होना चाहिए था point, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये जो Schumpeter theory बता रहा है, इसमें risk इसलिए क्योंकि innovation के लिए पैसे बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। आई बात समझ में? इसका लाइन का दो मतलब है, एक तो मैंने बताया, एक मतलब ये भी है कि फॉर इनोवेशन यू हैव टू बेसिकली डू द रिस्की एक्टिविटीज, रिस्क वाले एक्टिविटीज। जैसे आपने मान लीजिए आपने मार्कर बनाया, ठीक है, इनोवेशन किया, इसमें कुछ चेंजेस लेकर आए या कुछ भी लेकर आए, यू डोंट नो दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट और नॉट। श्योरिटी ही नहीं है कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, एक्सेप्टेंस क्या होगा। भले आपने कितना भी सेल्स फोरकास्ट कर लिया हो, कितना भी आपने मार्केट रिसर्च कर लिया हो, लेकिन एक अनसर्टेनिटी आपकी रहेगी, है ना। सो यहाँ पर Schumpeter जो कहना चाह रहे हैं अबाउट द इनोवेशन, इट इज अ वेरी हाई रिस्क और रिस्की जॉब। क्लियर हो गया? समझ में आया संजली? नेक्स्ट वन इज हाईली मोटिवेटेड एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल। अब ये जो Schumpeter थ्योरी बताते हैं ना, इस पर्सन जो होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो इनोवेशन करेगा, वो पर्सन हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए और टैलेंटेड इंडिविजुअल होना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज profit is merely and part of objectives, profit is merely and part of objective of entrepreneurs, profit is merely and part of objectives of entrepreneurs। ठीक है, so entrepreneurs के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कमाएंगे ताकि बिजनेस सरवाइव कर पाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाएंगे ये जरूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इट इज अ लीडरशिप rather than ownership, it is a leadership rather than ownership, it is a leadership rather than ownership। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनोवेशन करने के लिए, एक इनोवेटर के लिए एक लीडर ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली टू एक ओनर्स। ठीक है, क्योंकि अगर लीडर जो है वो क्या क्या चीजें करता है, वो आपका सुपरविजन का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है ना। सो ये एक लीडरशिप होना चाहिए जो, हाँ क्वालिटी, हाँ बिल्कुल, ऑपरेट करने में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप क्वालिटी में यू कैन बेसिकली आप कमांड दे सकते हो और उसके साथ साथ ऑर्डर दे सकते हो और अपने काम को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। लेकिन आपके यहाँ पर लीडरशिप में क्या होगा कि यू आर बेसिकली अब क्लोज वॉच होगा आपका अपने वर्क पे और ऑपरेशन पे। ठीक है ना, कैसे काम हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ दिक्कत है, मोटिवेशन, सब चीज मैटर करेगा इस तरफ लीडरशिप में। बट इधर जो आप केस बता रहे थे हम लोग किस चीज का, ओनरशिप। सो अब जैसे एक बिजनेस का ओनर जो है वो अपनी दुकान छोड़कर अपनी लेबर पे भी चला जाता है ना, क्योंकि उसको पता है वो संभाल लेगा, राइट। बट एक ओनर का एटीट्यूड में और एक लीडर्स के एटीट्यूड में अंतर होता है। लीडर जो है वो आपको अपने साथ चलाएगा, अपने एम्प्लॉइज को अपने साथ रखेगा और अपने साथ अपने ग्रोथ के साथ उनका भी ग्रोथ करेगा, है ना, ग्रो करेगा उनको भी। लेकिन ओनर्स जो होंगे उनके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है जो वर्क कर रहे हैं, उनको सैलरी पे किया जा रहा है और वो अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज पे भी छोड़ करके मूव कर सकते, जा सकते हैं, और उनको गाइडेंस की कोई खास गाइड नहीं करेंगे आपको एक ओनर सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे। द वर्क विल बी कंप्लीटेड और नॉट, बट हाउ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इट इज बेसिकली सजेस्टेड बाय द लीडर्स। क्लियर, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आलोचना। बिल्कुल सही बात है, मतलब समथिंग विच इज नॉट राइट, विच इज इनकम्प्लीट। तो वी आर क्रिटिसाइजिंग व्हेन वी आर स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग, या मतलब जो उसमें रॉन्ग है उसको जब हम बताते हैं गलत को, ठीक है, क्रिटिसाइज करना जिसको हम कहते हैं। चलिए पहला लिखिए, क्रिटिक्स फील्स दैट द थ्योरी ओवर एम्फसाइज्ड ऑन द इनोवेटिव फंक्शन। क्या हो गया, अच्छा, क्रिटिक्स फील दैट feel that the theory over emphasized on innovative functions of the entrepreneur. Critics feel that the theory over emphasized on innovative function of the entrepreneur it ignored the organizing aspects of entrepreneurship Critics feel that the theory overemphasized on innovative functions of entrepreneur, it ignored the organizing aspects of entrepreneurship। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये जो शम्पिटर ने थ्योरी दिया है, इन्होंने इनोवेशन के बारे में तो बहुत बताया है, हर जगह पे इनोवेशन करो तभी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यही कहना चाहते हैं ना। But they're not talking about the different department, different work in the organization, how to work, मतलब employees आपके कैसे काम करें, marketing के person कैसे काम करें, आपके finance के person कैसे काम करेंगे, ठीक है, एक policies और एक proper organization जो system होना चाहिए, departmental coordination होना चाहिए, जो भी एक बहुत बड़ा reason है आपका टाइमली जो आपका वर्क है उसके कंप्लीशन के लिए, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलिसीज, वर्ड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन सब में से किसी चीज के बारे में आपके इसने श्रॉम्फेटर ने बताया, कुछ भी नहीं बताया है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे अपने बिजनेस को। यानी कि बिजनेस प्लान के साथ आपके पास प्रॉपर इनोवेशन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं आएगा तो होगा क्या। अब जैसे कि उस दिन शार्क टैंक में आया था, एक पर्सन था, बेसिकली दे इन्वेंटेड दैट फर्टिलाइजर के लिए जो मशीन बनाया था उसने, याद है कुछ, फर्टिलाइजर के लिए जो मशीन बनाया था, वो मशीन तो उसने बना लिया, लेकिन चूंकि उसके पास कोई प्रॉपर सोर्सेस नहीं थे तो उसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कहीं पर, उसको कोई लोन नहीं दिया, बहुत सारे रीजंस थे। तो यहाँ पर श्रॉम्फेटर के थ्योरी में ऑर्गेनाइज कैसे करना है चीजों को, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वर्कलोड, डिविजन ऑफ वर्क, किसी चीज के बारे में कोई क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी जरूरी है जब आप कोई बिजनेस को रन करते हैं। मान लीजिए फाइनेंस और सेल्स में अगर कोई दिक्कत आ गई तो फाइनेंशियल टीम जो है वो सेल्स के नंबर को कैसे पता लगेगा, वो सेल्स टीम ही देगी ना कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने सेल हुए हैं, इतने पैसे हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ भी, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कमांड, किसी चीज के बारे में नहीं बताया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस, जो प्रोसेस है ना पूरा बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसके लिए जितने भी स्टेप्स वगैरह लिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कैसे उसको करें, मेंटेन कैसे करें, मैनेज कैसे करें, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसे बिजनेस प्लान के थ्रू आपका सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स का आइडिया है, आपके पास आइडिया के बाद बिजनेस प्लान बनाओगे, जो बिजनेस प्लान के थ्रू पिच करोगे और पैसे मिलेंगे, ठीक है, फिर उस पैसे से यू विल स्टार्ट योर बिजनेस, राइट। So they are not talking about those challenges and organize, मतलब एक organizing aspect में कुछ भी नहीं बताया है। Next point, Schumpeter had completely ignored the risk-taking function of the entrepreneur. Risk-taking functions of the entrepreneur. Schumpeter had completely ignored the risk-taking function of the entrepreneur, which cannot be ignored. Which cannot be ignored. ठीक है। Whenever आगे लिखिए, whenever an entrepreneur develops a new combination of factor of production, there is enough risk involved. लिख लिया सबने। Schumpeter had completely ignored the risk-taking function of the entrepreneur, which cannot be ignored. Whenever an entrepreneur develops a new combination of factor of production, there is enough risk involved. अच्छा देखो, रिस्क टेकिंग तो आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एंटरप्रेन्योर्स को लेना ही पड़ता है रिस्क, सही बात है। अब कुछ प्रूडेंट होते हैं एंटरप्रेन्योर्स तो वो आपके मॉडरेट रिस्क लेते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो हाई रिस्क भी ले लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिस्क हाई ले लिया कि बहुत ज्यादा पैसा लोन पे ले लिया, है ना। सो श्रॉम्फेटर ने रिस्क के बारे में यहाँ पर बात ही नहीं की है, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्क व्हिच इज बेसिकली involved in the case of the innovation के केस में जो रिस्क है उसके बारे में बात नहीं किया है। कोई भी नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर आओगे उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है ही, है ना। तो यहाँ पर उस चीज के बारे में he didn't basically explained or elaborated, right? Next point is this theory is more suitable या applicable The theory is more applicable or suitable in developed countries only. In developed countries only. What are who? कुछ दो तीन developed countries का नाम बताओ जरा मुझे. Very good. So USA जो है, या USA में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, याद होगा, पता होगा. चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी है और रसिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट. तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकास अभी चल रहा है आपके डेवलपमेंट में, है ना. यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है यानी ग्रोथ हो रहा है ना. 100% डेवलप्ड नहीं है. तो ऐसे जो थ्योरी होते हैं, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, मतलब ये इनोवेशन के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि ज्यादा फोकस करें इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर. सही बात है ना. तो जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये वही पॉसिबल है जहां पर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, या तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, या फिर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोई दिक्कत नहीं है. जिस कंट्री में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, जहां पर आपके जो पीपल है उनके एक्सेप्टेंस स्केल में प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में आज भी जो नए प्रोडक्ट को बहुत जल्दी कर लेते हैं एक्सेप्ट परचेज, और कुछ लोग 10 साल 15 साल के बाद उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, लैगार्ड्स कहते हैं जिनको, है ना. सो यहाँ पर जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब आप समझ रहे हो, तो डेवलपिंग कंट्रीज में एक जैसा सिचुएशन नहीं है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी कंट्री में नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना. सो ऐसे देश के लिए आप 100% सिर्फ इनोवेशन पे फोकस करके आप इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से अपने बिजनेस को चला नहीं सकते. आपको इनोवेशन के अलावा आपको अदर फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, है ना. आपको अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको रिसोर्सेज देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं भी कंट्री में या नहीं है, है ना. तो ये चीज जो है आपकी इस थ्योरी में नहीं है. दे फोकसेस ऑन द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स. बल्कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कराया होगा तो याद होगा कितने सर करवाया है, नहीं कराया है करवा दो, ठीक है. तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर. सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, कुछ साइबरप्रेन्योर्स हैं जो आपके सब डिजिटली काम एंटरप्रेन्योर बिजनेस चलाते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ इनोवेशन से चल पाना बिजनेस, खासकर इंडिया में, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर इनोवेशन यू रिक्वायर्ड मल्टीपल थिंग्स विच इज नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है. तो पहले तो आपको बेसिक इंफ्रा और बेसिक रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा. सही बात है. चलिए आगे, ठीक है. और यहाँ पर अगर आप इनोवेशन इतना फास्टली पॉसिबल भी नहीं है, याद रखिएगा. इंडिया में इनोवेशन जो है उतना ज्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों का एक्सेप्टेंस उस स्केल पे नहीं है इंडिया में. अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीपैड वाले फोन को यूज कर रहे हैं, करते हैं ना, करते हैं. अब ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ स्मार्टफोन और उसमें डिफरेंस है, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा है, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूजफुल है, तो लोग कर रहे हैं ना. रेडियो चले जाओ आप, यहाँ रूरल मार्केट में रेडियो आज भी वहां यूज करते हैं लोग, पुराने वाले कन्वेंशनल वाले. तो ऐसे केस में आप इनोवेशन कैसे करोगे, एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए ना. बहुत एक्सट्रीम इनोवेशन, हाँ हाँ टर्न ओवर, हाँ बिल्कुल. इनोवेशन आप करते चलोगे और उसके एक्सेप्टेंस ही नहीं है मार्केट में तो कैसे चलेगा, है ना. चलिए आगे. The theory does not provide the explanation as to why few countries have more entrepreneurship talent than others. The theory does not provide the explanation as to why few countries have more entrepreneurship talent than others. यानी कि ये जो theory है ये बिल्कुल भी नहीं बताता है कि क्यों कुछ एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल हैं और कुछ नहीं है. मतलब एक रीजन जो होना चाहिए ना बताने के लिए. लिख लिया, द थ्योरी इज डज नॉट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई फ्यू कंट्रीज हैव मोर एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट देन अदर्स. मतलब ये थ्योरी जो है ना ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि कुछ कंट्री में ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप क्यों है, क्यों ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और कुछ कंट्रीज में क्यों एंटरप्रेन्योर्स लोग नहीं बनना चाहते हैं. तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो रीजन है, इट इज नॉट इलैबोरेटेड इन दिस थ्योरी, ठीक है. आगे, ठीक है, चलिए काफी है, बस इतना ही है थ्योरी. सो दीज आर द थ्योरीज. क्लियर हो गया, दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी. क्लियर, समझ में आ गया। अब इन्होंने एक और भी चीज बता दी, इनोवेशन कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इनोवेशन करो, इस एरियाज में करो, दैट इज एक्सप्लेन, बट हाउ टू डू दैट इनोवेशन दैट इज नॉट एक्सप्लेन, ये भी चीज है इसमें, ठीक है, वेज आर नॉट बेसिकली एक्सप्लेन। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। EOC बताने से पहले let me tell you what is the meaning of employees turnover and what is the meaning of employees retention। तो employees turnover का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में within a time कितने लोगों ने जॉब छोड़ दिया या फिर उनको टर्मिनेट किया गया और वो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होता है उसकी इफिशियंसी लो होती है। क्या होती है? लो होती है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज रिटेंशन का मतलब होता है कि व्हेन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बेसिकली रिटेन एंड टू स्टे, मतलब वो चाहते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं शुड स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एम्प्लॉयज रिटेंशन। सो एम्प्लॉयज रिटेंशन के लिए आप लोग को पता होगा वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि कई जगह पे पार्टीज होती है, वीकली पार्टीज या मंथली पार्टीज थ्रो किया जाता है ना। इंसेंटिव्स प्रोग्राम होते हैं, मोटिवेशन के लिए और भी बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, जैसे बहुत लोग को घर, कार, बोनस, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना, राइट। ट्रैवल एंड टूरिज्म की फैसिलिटीज मिलती है, ट्रैवल्स कर सकते हो आप, दूसरी जगह घूम सकते हो। सो दीज, हाँ, अलाउंसेस मिलती हैं, जैसे आप लोग पता हुआ ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलती हैं। सो ये जितने फैक्टर्स होते हैं इट इज बेसिकली मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेकेंड थिंग होता है एम्प्लॉयज टर्नओवर, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये, इसमें ये भी फैक्टर है कि जब कोई पर्सन जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो एंटरप्रेन्योर बनने चला जाता है, या ही वांट टू बिकम हिज ओन बॉस एंड ही स्टार्टेड द बिजनेस, राइट। सो बेसिकली एक होता है ना डिससेटिस्फैक्शन इन द जॉब इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच लीड द एंटरप्रेन्योर्स to become a, मतलब lead the person to become an entrepreneur, है ना। and the job turnover समझ में आया, जो एक टाइम के बाद जो जॉब को जल्दी से जल्दी क्विट करते हैं, स्विच कर लेते हैं दूसरे कंपनी में, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? that can be the job dissatisfaction, that can be the conflict with the management, that can be the poor atmosphere, working atmosphere। इस वजह से जॉब क्या हो जाता है, पर्सन छोड़ देते हैं। So, जब हम एंटरप्रेन्योरियल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो यही चीज बताता है कि एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस में, एक एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब एक बिजनेस में, स्टार्टअप में कैसा कल्चर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर क्या होता है? व्हाट इज कल्चर? नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज हो गया, बिलीफ हो गया, ट्रेडिशन हो गया, सब कल्चर हो गया, हाँ। तो दीज ऑल आर मीनिंग, इस सब का मतलब क्या होता है? कल्चर, ठीक है। हमारा लैंग्वेज हो गया, दैट इज ऑल्सो कल्चर। हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गई, हमारी क्लोथिंग हो गई, हमारे फोक डांस हो गए, ठीक है। दीज ऑल आर द बेसिकली द पार्ट ऑफ द कल्चर। कस्टम्स का मतलब होता है वो सारी ट्रेडिशनल थिंग्स, रिचुअल्स, ठीक है, एक वैल्यू जो हम मानते हैं। कल्चर इज अ ओवरऑल, ये जितनी चीजें सब कल्चर में आती हैं, ठीक है। तो कल्चर जो है, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर्स के टर्म में, तो कल्चर रेफर करता है कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपना एक्सप्रेशन देता है फॉर, एंड किस तरीके से अपना बिहेवियर और ट्रेडिशन को किस तरीके से सेट करता है अपने इंडस्ट्रियल वेंचर में, यानी कैसा एटमोस्फेयर बिल्ड करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए। इन शॉर्ट ये याद रखना, ठीक है। आप इमेजिन करो, इफ यू विल ज्वाइन अ कंपनी एंड वेयर देयर इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर लैक ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और समथिंग, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ लैक ऑफ पुअर एटमोस्फेयर, पुअर कल्चर है। हाउ द पीपल आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, अगर एक दूसरे से लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, विलिंगनेस है कोलीग के बीच में, तो इट इज बेसिकली शोइंग अ हार्मोनियस एंड अ बेटर एटमोस्फेयर फॉर वर्क, है ना। तो कल्चर आपका जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, आपके एम्प्लॉइज का बिहेवियर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हार्मोनियस है या नहीं, फैसिलिटीज क्या क्या दिए जा रहे हैं, आपके जो पर्सनल थिंकिंग क्या है, अप्रोच क्या है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो आप एक चीज जो कल्चर है ये आपको किस किस चीज में हेल्प करेगा, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इट इज गोइंग टू हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी बिल्डिंग में, ठीक है, मार्केट पोटेंशियल या डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजी दैट कल्चर कैन बी यूज, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए दैट कल्चर कैन बी यूज। तो ये सारी चीजें आपके एंटरप्रेन्योरियल कल्चर के पार्ट्स हैं, मतलब किस तरीके से आप कल्चर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में है so how it is going to be helpful for you, है ना, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं EOC एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में लिखिए it is a system of shared values, it is a system of shared values, beliefs and norms of the member of organization, it is a system of shared values, beliefs and norms of members of organization including value of creativity and tolerance of creative people believing that innovating and seize करना सुना ना, SEIZ seize करना, so seizing that innovating and seizing market opportunities and appropriate behavior in deal with the problem of survival and prosperity, क्या हो गया, छूट गया, appropriate behaviors to deal with problems of survival and prosperity, environmental uncertainty, environmental uncertainty and competitors threat and expecting organizational members to behave accordingly. EOC is a system of shared values, beliefs and norms of member of organization, including value, creativity and tolerance of creative people, believing that innovating and seizing market opportunities are appropriate behavior to deal with problems of survival and prosperity, environmental uncertainty and competitors threat, and expecting organizational members to behave accordingly. हो गया सबका? इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना बड़ा जो मैंने आप लोगों को पैरा लिखवाया है 5-6 लाइन का, इसका क्या मतलब हुआ सुनिए कि EOC एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो एक सिस्टम है जहां पर एम्प्लॉइज, कॉलीग्स और नोन जो भी काम कर रहे हैं वो अपने वैल्यूज को शेयर करते हैं, अपने बिलीफ को शेयर करते हैं। एक नॉर्म है जो कैसे एक पर्सन का, जैसे मेरी थिंकिंग हो सकता है बाकी मेरे जो कॉलीग हैं उनसे अलग हो, तो कैसे हम एक शेयर करते हैं अपने बिलीफ को, अपनी थिंकिंग को, और जिसमें हम क्रिएटिविटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। एडवाइस वाला एटमोस्फेयर भी है, आपके पॉइंट्स को भी सुना जाता है, और साथ साथ में हम बिलीव करते हैं कि हम कैसे अपनी इनोवेशन से मार्केट को, अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे। तो अकेले एंटरप्रेन्योर ये सारी चीजें नहीं करेगा जब तक एम्प्लॉइज और उसके जो स्टेक होल्डर्स उसका सपोर्ट ना करे, है ना। साथ साथ में कैसे एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा होना चाहिए कि हम अपने डिसीजन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने प्रोस्पेरिटी के लिए काम करें। और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी जैसे आपका माइक्रो माइक्रो एनवायरमेंट है ना, फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस और कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट, ये सब चीजों को हम कैसे मैनेज करें। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लीजिए, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो इनफॉर्मल टॉक्स है वो बहुत हाई है। इनफॉर्मल टॉक जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो ऐसे केस में आपकी क्रिएटिविटी कई बार बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि इनफॉर्मल टॉक का कोई भी इफिशिएंट और इफेक्टिव आउटपुट नहीं होता है। बट द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, सो इनफॉर्मल टॉक कैन बी पॉसिबल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक जगह होता है, बट दैट शुड बी इन द बैलेंस्ड वे। यू हैव फुल राइट टू शेयर योर व्यूज, अपने व्यूज बताइए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। एक पॉलिसीज को मेंटेन कीजिए, अनसर्टेनिटी कुछ भी आ रहा है उसको फेस कीजिए, डिसीजन प्रॉपरली लीजिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को फेस कीजिए, थ्रेट्स जो भी है, जो भी मुश्किल या चैलेंजेस आपके बिजनेस रिलेटेड है वो उसको फेस कीजिए। सो ये पूरा ओवरऑल आपका एक एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है जहां पर हम इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगी, ईओसी से, ठीक है। ओके, एनी डाउट? हाँ, मैक्रो एनवायरमेंट को पेस्टल हम कहते हैं। मैक्रो इज समथिंग विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जैसे आपका पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये जितने फैक्टर्स हैं सब आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं बिजनेस के। डेमोग्राफी में चेंज आएगा, ऑक्यूपेशन में चेंजेस आया, इनकम में चेंजेस आए, इट इज नॉट कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, ठीक है। जीएसटी आया, कंट्रोल नहीं कर पाए, लीगल में आया वो, है ना। सो आपके ये हो गए पेस्टल, ये मैक्रो एनवायरमेंट होते हैं। माइक्रो एनवायरमेंट वैसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोलेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर्स हो गए, आप उनके बिहेवियर को एनालाइज करके बना सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वैसा बड़ा थ्रेट नहीं है। आपके स्टेक होल्डर्स में आपके सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो ये सारे आपके माइक्रो में आएंगे, दैट कैन बी कंट्रोलेबल। एंड आप जैसे आपको कल प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को सप्लाई नहीं कराना है अपने इंडस्ट्री में, तो यू कैन आस्क दैट, ठीक है। लेकिन अगर जीएसटी बना तो यू कैन नॉट से कि मैं जीएसटी का पेमेंट नहीं करूंगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। सो माइक्रो इज समथिंग विच इज कंट्रोलेबल, मैक्रो इज समथिंग दैट इज नॉन कंट्रोलेबल फॉर द बिजनेस, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये थ्रेट है, ये अपॉर्चुनिटी भी है। एनवायरमेंट कैन बी थ्रेट एंड इट कैन बी अपॉर्चुनिटी एज वेल, क्लियर।